माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के सुबह उठकर निवट नहा पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वो हमारे चौड़े लिलाल में त्रिपुंड कर देते। हमारे लिलाल में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमने से हम खासे मंभोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वरनाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा कर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ते ही पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हमारी बारी बारी कर अपना बाएं और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौरम बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा गए, पर खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथों हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ ला पाती, तब हमारे लाख छटपटने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलाल में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुत्थी और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले वाला लड़कों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ कर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। धूल की मेड दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुढ़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी, धूल, पिसान और बालू के चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों को जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तमूरा बजता और अमोले को घिस कर सहनाए बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहाँ काट की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन की कुल्हिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी ही देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठे होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर में घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर से मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम भोला हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते ऊंच नीच में बई किराई जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का
कुत्तियों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज मस्ती की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटो ही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर दूल्हे किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पलकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पट पड़ गई। आकाश काले बादलों को ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और हवा ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और ना मूसलाधार पानी हो और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठी चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में ही मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू हमको उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए चार लड़के की गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिनोरी करके हमें घर ले चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वह जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ ना खेल अब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने मकई खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब जाकर गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकला और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए
और घर में घुस गए। उसमें बाबूजी बैठक के ओसारे पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़े हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुँच कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सांस सांस कहने हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार हिला बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हम मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। समाप्त।